में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के प्रमुख नगर जसपुर में। यहाँ जसपुर पथरामपुर रोड स्थित ऐतिहासिक शिव मंदिर पर दशहरा मेले का आयोजन हो रहा है और मैं मौजूद हूँ ये नगर के प्रमुख चौराहे पर, जो लकड़ी मंडी चौराहा है। ये यहीं से मेले को जाने वाला रास्ता बनता है। तो देख रहे हैं आप इस रोड पर ये मेले में जाने वाले लोगों की ये काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है। मेले के नज़दीक पहुंच चुका हूं और आप देख सकते हैं यहां गुब्बारों की दुकानें लगी हुई हैं। जगह जगह प्याऊ लगे हुए हैं। यह सामने जो प्याऊ दिखाई दे रहा है, यह है चेयरमैन प्रतिनिधि हाजी जाहिद हुसैन जी ने ये प्याऊ लगाया हुआ है। भाई साहब और आप भी सुनिए बहन जी और प्यारे बच्चों, आप भी देखिए कि अंजू भाई आपके इलाके आपके बोले और आपके मन को बहुत नजदीक आ तो मैं पहुंच चुका हूं ये मेले के प्रमुख स्थान पर जहां मेला लग रहा है। ये देखिए इधर ये मिट्टी के बर्तनों की दुकानें लगी हुई हैं। ये इनका जो नज़ारा है वो काफ़ी मनमोहक है। Thank you.
तक आया गया तो हमारे कोतवाल साहब के विकास सिंह दानों के सख्त निर्देश हैं कि वो तुरंत हमें सूचित करें। सभी लोग प्यार से मेरे का आनंद लें और प्रसाद चढ़ाए। सभी मेले में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का रामला कमेटी हार्दिक स्वागत करती है। धन्यवाद। हेलो, मेले प्रांगण में आए हुए एसएसआई जोशी जी की टीम को रामलीला कमेटी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। एसएसआई जोशी जी से विनम्र निवेदन है कि जो बीच में भारी वाहन यहाँ आ रहे हैं, ई रिक्शा आ रही है, उसको अंदर प्रवेश ना करने दे, चूंकि ये इस समय भीड़ का समय है। अगर भीड़ इस समय बहुत तेजी से बढ़ रही है फिर ई रिक्शा जो है ये समस्या उत्पन्न करेगी। यहाँ आपसे विनम्र निवेदन है कि वाहनों की ई रिक्शा वगैरह की एंट्री मेला प्रांगण में ना होने दें। समस्त धर्मप्रेमी जनता से निवेदन है कि कोई भी अगर अराजक तत्व आपको दिखाई देता है, किसी भी तरह की अराजकता मेले प्रांगण में दिखाई देती है, तो यहाँ पुलिस प्रशासन मौजूद है, पुलिस को सूचित करें, रामलीला कमेटी को सूचित करें। धन्यवाद। श्री रामलीला कमेटी मोहल्ला जटवारा, सुशील पत्रकार जी का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। सुशील पत्रकार जी का बहुत बहुत स्वागत, मोस्ट वेलकम। दशहरा प्रांगण में आई हुई समस्त धर्म प्रेमी जनता का श्री रामलीला कमेटी अध्यक्ष श्री रवि सिंह एडवोकेट एवं समस्त पदाधिकारियों द्वारा आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। मेले में आए हुए समस्त जनता का बहुत बहुत अभिनंदन। आप लोगों से अनुरोध है कि अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ में रखें, विशेष उनका ध्यान रखें, और अगर किसी का बच्चा गुम होता है तो पुलिस प्रशासन को सूचित करें। ये अग्निशमन सेवा भी यहाँ मौजूद है। यहाँ मेले प्रांगण में श्री रामलीला कमेटी की ओर से कूपन का स्टोर लगा हुआ है जिसका इनाम रामलीला के अंतिम दिन मंच से निकाला जाएगा। मात्र 100 रुपए का कूपन है और पहला इनाम जो है आपका मोटरसाइकिल है। जो भी इच्छुक व्यक्ति है यहाँ कूपन खरीद सकता है और कूपन खरीदते समय अपना मोबाइल नंबर जरूर अंकित करें ताकि आपको सूचित कर दिया जाए। मेले में यहाँ जलेबियों की कई दुकानें लगी हुई हैं। दशहरे मेले में आई हुई समस्त धर्म प्रेमी जनता का श्री रामलीला कमेटी अध्यक्ष एवं समस्त पदाधिकारी आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज दशहरे का बड़ा ही ऐतिहासिक पर्व है। आज वो ऐतिहासिक पर्व है जब बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, असत्य पर सत्य की जीत हुई, अधर्म पर धर्म की जीत हुई। श्री रामचंद्र जी के द्वारा यहाँ रावण का वध किया जाएगा। 35 फीट ऊंचे रावण का निर्माण किया गया है। एक भव्य तरीके से यहाँ दुकानें लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। बड़ा शिव मंदिर है, अपने बच्चों के यही हर वर्ष बच्चों का ख्याल मेला लगता है। ये कमेटी आपका स्वागत करती है और यहाँ मेले में और यहाँ पे आपका जो है स्वागत दिखाई देती है। वो ये देखिए मैं
ऐतिहासिक बड़े से मंदिर के शांति चौकोन बनाए रखे द्वार से प्रवेश कर रहा हूँ और आपको मंदिर के ओर ले चल रहा हूँ। ये मंदिर प्रांगण में ये मेला लग रहा है और यहाँ काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है। दुकानों पर तो काफ़ी भीड़ लगी हुई है, आप देख सकते हैं। Thank you.
साल का है पुरस्कार खड़ा हुआ है। कुछ समय के बाद अहम किया जाएगा। ये बड़ा शिव मंदिर है, ये का मंदिर ऐतिहासिक है और देख के लोग श्रद्धालु यहाँ ये प्रसाद चढ़ा रहे हैं श्रद्धा के साथ। भैया देख लिया सुन ना Thank you.
YouTube चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।